अलैकुम जी, क्या हाल है आप सब का? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। तो ये हमारी कॉलोनी में ये साकर का मैच होना था, मतलब कि वो कोई स्पेशल मैच नहीं कि टीम बना के, ये किसी चर्च ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सारा। तो सोशल मीडिया पे हमें भी पता चला, तो हमने फिर साइन अप कर दिया। फेसबुक पे आया था, तो ये हमारे घर से कोई 5-10 मिनट दूर है पार्क, उधर उन्होंने फिर सबको बुलाया था। तो हर एज के हिसाब से उन्होंने टीम बनाई थी, तो हम फिर लेके गए हैं। छोटा जो मेरा बेटा है, ये बड़ा इसको शौक है साकर का, घर में भी इसने रखा हुआ है अपना नेट और बॉल वगैरह। तो ये देखे जी, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम था। तो मैंने उनको भी साथ आपके लिए रखी है आनी, कि आप उनका भी आवाज़ें सुनते रहें कि क्या वो बोल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। तो साथ में आपको बताने लगी थी कि देखें, अभी अलर्ट आ गया था कि वो आना है, तूफान आना है, थंडर। तो लेकिन काफ़ी अच्छा था, उन्होंने पूरा मैच ख़त्म करके ही फिर हम गए थे घर में। ये देखे बादल आ रहे थे, तो पहले तो अच्छी भली धूप थी जब हम आए हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये अचानक ही फिर मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं बना सकी थी तो मैंने बनाया है। गला मेरा ना आजकल फिर ख़राब हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखें जी, 3 दिन का प्रोग्राम था, एक दिन तो कैंसिल हो गया था बारिश की वजह से, तो 2 दिन की ये मिक्स ही है वीडियो। तो ये उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, तो रूहान ने एक डॉलर विन किया था। तो मेरा हाथ इतना गंदा गंदा आ रहा है, पता नहीं वो काट के ना साग गई थी, पालक तो गंदा ही लग रहा था। चले कोई बात नहीं, और उन्होंने ना रखा हुआ था कि जो कोई उनको बताएगा वो डॉलर विन करेगा। तो लोग अपने डॉगी वगैरह भी लेके आए थे और अपने बच्चे भी, तो हम भी इधर बैठ कर भी बातें वगैरह कर रहे थे, हम दोनों मियाँ बीवी। तो बच्चे तीनों अपनी अपनी जगह पे खेल रहे थे जहाँ उनको लेके गए थे। ज़्यादा छोटे को मैंने फोकस किया है, बाकी तो बड़े बड़े दूर ही थे, तो मैं उनके पीछे पीछे नहीं गई है। तो ये ना इनका इतना अच्छा इंतज़ाम है, सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया है चर्च वालों ने, वो जो स्कूल टीचर होती है ना उन्होंने भी वॉलंटियर किया है। कोई पैसे नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं, ना हमसे लिया है ना जो ये सारे जो वर्कर हैं उनसे कोई लिया है। उन्होंने पानी भी खुद ही कूलर वगैरह रखे हुए थे, वो और स्नैक वगैरह भी दिए बच्चों को। और जो एंड वाला डे था, मतलब 3 दिन के बाद, उन्होंने पिज़्ज़ा भी दिया सबको। अब हमें भी उन्होंने रोक लिया कि पिज़्ज़ा खा के जाए, मतलब जो सारे आए थे ना खेलने वाले उनके पेरेंट्स सारे। तो ये देखे जी, पिज़्ज़े का इंतज़ार हो रहा है, ये 3रा दिन है। और पहले मैं आपको बीच में अभी थोड़ा दिखाऊंगी कि साइन अप वगैरह करना था। ट्रैश कैन उन्होंने रखे हैं, पानी रखे थे, माल्टे लेके आए हुए थे, और बच्चों के लिए जो स्नैक वगैरह होते हैं चिप्स वगैरह हमें भी उन्होंने दिया है कि आप भी खाएं। तो इसी तरह बड़ी रौनक लगी हुई थी। ये छुट्टियों की वीडियो है, लेकिन मैं लगाना ही भूल गई। तो अब तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो लेकिन मैंने फिर अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मौसम हो गया शाम के ना 8-9 बज गए थे जब हम घर वापस आने लगे थे। आसमान इतना प्यारा लग रहा है। तो पिज़्ज़े के लिए हम वेट कर रहे हैं बैठ के, तो वो काफ़ी देर बाद आया वो डिलीवरी करने। तो चलें जी, खुदा हाफिज़।